नंद गया नंद की। सभी प्रतिनिधियों से विशेष आग्रह है, अब से कुछ ही क्षणों में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतवर्ष के उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया नायडू जी तथा सभी अतिथि एक साथ मंच पर सभी का मंच पर एक साथ आगमन होगा। उनके आते ही राष्ट्रगान बजेगा तो सभी लोग एक साथ अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और अंत में भी धन्यवाद आभार के बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा। उस दौरान भी सभी को अपने स्थान पर खड़े रहना है। स्टूडेंट्स पावर, स्टूडेंट्स पावर, छात्र शक्ति, छात्र शक्ति, एक बार प्रेम से, एक बार जोश से, ज्ञानशील एकता, गांव गांव हम जाएंगे, गांव गांव हम जाएंगे। यदि भारत में रहना होगा, यदि भारत में रहना होगा, फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव। सभी अतिथियों के लिए विशेष सूचना है, कृपया करके सूचनाओं पर ध्यान दें। अब से कुछ ही क्षणों में हमारा प्राध्यापक यशवंतराव केलकर पुरस्कार समारोह शुरू होने वाला है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू जी व सभी सम्मानित अतिथिगण जल्द ही हमारे सम्मुख आने वाले हैं। उस दौरान सभी उनके आते ही राष्ट्रगान होगा। भारत माता की, भारत माता की, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, न जातिवाद न क्षेत्रवाद, न जातिवाद न क्षेत्रवाद, मार्क्सवाद न नक्सलवाद, मार्क्सवाद न नक्सलवाद। सूचनाओं पर फिर से ध्यान दें सभी लोग। प्रोग्राम के प्रारंभ में
हमारे अतिथिगण आते ही राष्ट्रगान होगा और समापन आभार के बाद भी राष्ट्रगान होगा, तो उस दौरान सभी लोगों को अपने स्थान पर खड़े रहना है। अब मैं आगे के संचालन के लिए अपने 64वें राष्ट्रीय अधिवेशन के संयोजक प्राध्यापक श्री छगन भाई पटेल जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। प्राध्यापक यशवंतराव युवा पुरस्कार समारोह के अतिथियों का आगमन हो रहा है। आप सभी से अनुरोध है अतिथियों के आने के बाद अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाइए। अभाव के 64वें राष्ट्रीय अधिवेशन में आयोजित प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार इस समारोह सत्र में उपस्थित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार समारोह में उपस्थित है भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी। हम सब उनसे भलीभांति परिचित है। आप मूलतः आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के निवासी है। आप 1974 में आंध्र विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। आप छात्र जीवन में अभाविप में सक्रिय रहे एवं आप अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं। आपकी पहचान एक आंदोलनकारी के रूप में रही। जय आंध्रा आंदोलन के दौरान आपने विजयवाड़ा आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। छात्र जीवन में आपने जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा से प्रभावित होकर अभावी के माध्यम से आपातकालीन संघर्ष में हिस्सा लिया और इस दौरान आपको जेल में भी जाना पड़ा।
सन 1970 से 1980 तक जनता पार्टी के युवा शाखा के अध्यक्ष रहे। 2002 से 2004 तक आपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तरदायित्व भी निभाया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहे और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में भारत सरकार के अंतर्गत शहरी विकास, आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन तथा संसदीय कार्य मंत्री रहे। वर्तमान में आप भारत के सम्माननीय उपराष्ट्रपति है। मंच पर गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली जी उपस्थित हैं। आप पूर्व में अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं तथा दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। पूर्व में आप राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। वर्तमान में आप गुजरात के माननीय राज्यपाल हैं। मंच पर उपस्थित है श्री नितिन भाई पटेल। आप गुजरात के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री हैं। मंच पर उपस्थित है श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा। आप गुजरात के माननीय शिक्षा मंत्री हैं। मंच पर अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस सुबैया एवं इस राष्ट्र छात्र शक्ति का नेतृत्व करने वाले अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री आशीष चौहान भी उपस्थित हैं। साथ ही अभाविप के पूर्व उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री रमेश गढ़िया भी उपस्थित हैं। आज जिन्हें प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार प्रदान किए जाने वाला है, ऐसे हमारे श्री संदीप जोशी भी मंच पर उपस्थित है। मंच पर उपस्थित है सुश्री निधि त्रिपाठी, अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री। मंच पर उपस्थित है श्री परिंदु भाई भगत। आप विख्यात अधिवक्ता कर अधिवक्ता है। इस 64वें राष्ट्रीय अधिवेशन की स्वागत समिति के आप कार्यकारी अध्यक्ष भी है। मैं अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुबैया जी को अनुरोध करता हूँ कि आप इस प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी का स्वागत करें। मैं अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुबिया जी को अनुरोध करता हूं कि आप माननीय ओम प्रकाश कोहली जी का भी स्वागत करें। गुजरात के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल का स्वागत करने हेतु डॉक्टर सुबिया जी को मैं अनुरोध करता हूं। माननीय नितिन भाई पटेल साहब, जाइए आगे, जाइए जाइए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर उपस्थित सभी गणमान्यों का स्वागत करें। जल्दी आइए।
हाँ नहीं बोल दिया। अब मैं श्री रमेश गढ़िया जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार समारोह के मंच पर उपस्थित भारत राष्ट्र के माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी, गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली जी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस सुबैया जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय आशीष चौहान जी, सम्मानित मंच और वास्तव में भारत मां को दुनिया का महान राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर के गुजरात की धरती पर आए हुए आदरणीय कार्यकर्ता बंधु और भगिनों, हम सब जानते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, लेकिन दूसरे रूप में यदि हम इसको देखते हैं तो ध्यान में आता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज एक विशिष्ट छात्र संगठन के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। संगठन का यह वैशिष्ट्य, संगठन की यह विशिष्टता हमें अपने साइंटिफिक अनुभवजन्य और टाइम टेस्टेड कार्य पद्धति के कारण मिली है और जिन्होंने अपनी कृति से, अपने कार्य प्रणाली से इस कार्य पद्धति को विकसित करने में अपना संपूर्ण जीवन स्वाहा कर दिया, ऐसे व्यक्ति व्यक्तित्व और महामानव का नाम है प्राध्यापक यशवंतराव केलकर। विद्यार्थी परिषद के काम की शुरुआत हुई थी और कुछ स्थानों और कुछ महाविद्यालयों तक विद्यार्थी परिषद का काम फैला था, ठीक उसी समय यशवंतराव केलकर विद्यार्थी परिषद के काम में जुड़ते हैं। यह सामान्य संयोग नहीं तो मैं इसे एक दिव्य संयोग मानता हूं, क्योंकि प्राध्यापक यशवंतराव केलकर ने एक इकाई से काम करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे काम करते हुए कई प्रकार के उपक्रमों के माध्यम से, अभियानों के माध्यम से, प्रकल्पों के माध्यम से विद्यार्थी परिषद में एक अखिल भारतीय दृष्टि रखने वाले कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला खड़ी की। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह अखिल भारतीय स्वरूप जो यहां दिखाई दे रहा है, यह अखिल भारतीय स्वरूप देने का काम प्राध्यापक यशवंतराव केलकर ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को किया। यशवंतराव जी का घर कई वर्षों तक कार्यालय बना, कार्यालय नहीं होने के कारण गतिविधियों का केंद्र यशवंतराव जी का घर रहता था, वहीं योजनाएं बनती थी और यशवंतराव जी के घर में इतने वर्षों तक उन्होंने काम किया, लेकिन घर कभी अंदर से कार्यकर्ताओं के लिए बंद नहीं रहा। विद्यार्थी परिषद का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी समय किन्हीं भी परिस्थितियों में यशवंतराव जी के घर जाते थे तो हर कार्यकर्ता के लिए यशवंतराव जी का घर खुला मिलता था। हम सभी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के संकल्प के लिए संकल्पबद्ध हैं और हम जानते हैं यह संकल्प कार्यकर्ता निर्माण से ही संभव हो सकता है। यशवंतराव जी हमेशा कहते थे कि
एक कदम पीछे रह करके कार्यकर्ता निर्माण ठीक से किया जा सकता है। और यह उन्होंने केवल कहा नहीं तो इसका पालन आजीवन किया, क्योंकि हम जानते हैं कि 30 से अधिक वर्षों तक विद्यार्थी परिषद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद भी, सक्रिय रहने के बाद भी, केवल एक बार 1967 में प्रमुख कार्यकर्ताओं के विशेष आग्रह पर वे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व लेना उन्होंने स्वीकार किया। वह दायित्व भी एक वर्ष के बाद स्वयं छोड़ दिया और लगातार कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। उसी इंदौर के 1967 के अधिवेशन में जब शोभा यात्रा निकलती है, कल हम सब लोगों ने देखा होगा, उस शोभा यात्रा में वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने एक अच्छा सा रथ सजाया था और उस रथ में उनकी योजना के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक यशवंतराव केलकर जी और राष्ट्रीय महामंत्री जी को बैठना था। जब उनको यह अवगत कराते हैं वो तो निवेदन पूर्वक मना करते हैं। यशवंत राव जी जो कहते हैं वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी है। वह कहते हैं कि यह शोभा यात्रा मेरी नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महामंत्री की नहीं है, बल्कि यह शोभा यात्रा देश भर से यहाँ आए हुए कार्यकर्ताओं की, सभी की यह शोभा यात्रा है, यह सभी प्रतिनिधियों की शोभा यात्रा है। इसलिए हम आगे जरूर चलेंगे, लेकिन सबके साथ चलेंगे और इस रथ पर जो आप लोगों ने सजाया है, उस रथ पर केवल माँ भारती और स्वामी विवेकानंद रहेंगे। ऐसे अनेक उदाहरण वो देते हैं। विद्यार्थी परिषद की जो कार्यपद्धति थी उन्होंने विकसित की, उसका केवल प्रारूप नहीं लिखा तो उन्होंने कई प्रकार के काम के आधार पर प्रयोग किए, कई प्रकार के प्रकल्प चलाए, कई प्रकार से उसको कसौटियों पर कसा और जो प्रयोग उन्होंने किए वो स्वयं उन्होंने जिया और जीकर दिखाने के बाद, सफल होने के बाद उसको कार्य पद्धति का रूप उन्होंने दिया है। इसलिए हम इसे साइंटिफिक और अनुभव जन्य टाइम टेस्टेड कार्य पद्धति कहते हैं। यशवंतराव केलकर हमेशा समाज के साथ जुड़े रहे, समाज के से अलग कभी नहीं हुए, समाज के बीच में रहते हुए उन्होंने समाज के साथ एक रूप होते हुए विद्यार्थी परिषद की जो विशेषताएं थी उनको समाज में स्थापित करने का काम किया। यशवंतराव केलकर के व्यवहार से हजारों लाखों कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के काम में जुड़े। कार्यकर्ता जो उस समय काम करता था वह यशवंत राव जी के बारे में कहते थे, हम लगातार विद्यार्थी परिषद संगठन में काम करते हैं, समाज के से गलतियां भी हो जाती हैं, तो यशवंत राव गलती होने पर भी यशवंत राव जी से उनको माँ का जैसा स्नेह मिलता था। वो बार बार गलतियां सुधारने का अवसर देते थे। इसलिए उनके व्यवहार की तुलना यदि किसी से करनी है तो मैं वास्तव में उस कुम्हार के गीले कपड़े के टुकड़े से उनके व्यवहार के की तुलना करना चाहता हूं, जो कुम्हार उस गीले कपड़े को चक्के पर लगे हुए गीली मिट्टी से धीरे धीरे अपनी अंगुलियों से रगड़ता रहता है, कुछ देर बाद देखते हैं उसी गीले कपड़े से उस चक्के की गीली मिट्टी एक सुंदर आकृति के रूप में तब्दील होती है और जो अनावश्यक मिट्टी होती है वो वहां से हट जाती है। उस प्रकार का व्यवहार यशवंतराव केलकर जी का जो भी उनके संपर्क में आया अपने अथाह प्रेम से, निस्वार्थ प्रेम से और अपने स्नेह से अपने संपर्क में आने वाले एक सामान्य छात्र को वो एक अच्छा कार्यकर्ता बना देते थे और उसके अवगुणों को धीरे धीरे उनके सानिध्य में आने के बाद उनके अवगुण दूर हो जाते थे। यशवंत राव जी कार्यपद्धति के कालन पालन का विशेष आग्रह करते थे। वो कहते थे हम सब अपूर्णांक हैं, सभी को मिलकर पूर्णांक बनता है, इस बात में विश्वास रखना ही हमारी विशेषता है और हम यह भी मानते हैं कि सभी अपूर्णांक समान महत्व के हैं, कोई अधिक महत्व का अपूर्णांक, कोई कम महत्व का अपूर्णांक ऐसा नहीं है। और यह भी सही है कि अपूर्णांक कितना ही महत्व का क्यों न हो लेकिन सबको मिलकर ही पूर्णांक बनता है। इसी से जो हमारा टीम भाव आता है, टीम स्पिरिट दृढ़ होती है और टीम कार्य सिद्ध होता है। इसलिए सबको पूर्णांक बनने की इच्छा का निर्माण करना सब में
और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के मदद करना, यही वास्तव में सामूहिकता है। इसी से टीम भाव आता है, इसी से सामूहिकता आता है। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। एक बहुत अच्छा स्मरण मुझे ध्यान में आ रहा है कि वो कार्यकर्ताओं का कितना ध्यान रखते थे, कितनी संभाल करते थे। एक बार वो एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता मुंबई में आता, बीमार रहता है, किसी के घर में वो रहता है, तो रोज यशवंतराव जी उनको देखने के लिए आते थे। उस दिन भी वो देखने के लिए आए तो उनसे बातचीत करते हैं, और उस समय उस घर में उस घर का कोई सदस्य नहीं रहता है। बातचीत करते करते यशवंतराव जी उनसे बात करते, वो कहते हैं मुझे नहाने की आवश्यकता लग रही है। तो इतने में एक फोन वहां उनके घर में आता, यशवंतराव फोन सुनते हैं, सुनने के बाद फोन रखने के बाद वो उनके लिए गर्म पानी करते हैं, नहाने की तैयारी करते हैं, और उसके बाद उनको बोलते हैं आप आराम से नहाइए, मैं चलता हूँ। लेकिन दोपहर बाद उस कार्यकर्ता को मालूम चलता है कि वो यशवंत राव जी के लिए जो फोन आया था, उस फोन पर बहुत दुखद सूचना थी कि उनका माँ का देहांत हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि माँ का देहांत होने के बाद कितनी असहनीय दुख की घड़ी में भी वो कार्यकर्ताओं का कितना ध्यान रखते थे। ऐसे अनेक प्रेरक प्रसंग हैं। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि यशवंत राव जी ने क्या दिया हमको। तो यशवंत राव जी ने एक साथ चलने का जो सामूहिकता का भाव है, जो साथ साथ चलने का भाव है, साथ साथ विचार करने का भाव है, एक साथ काम करने का भाव है, यदि हम यहां पर एक साथ बैठे हैं तो यही सामूहिकता यशवंत राव जी ने हमको दी, यही हमारी ताकत है, यही भारत की पहचान है, भारतीय एकात्मता का यही भाव है। और इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि इतने कम समय में यशवंत राव जी के बारे में विचार करना और जानना ठीक वैसा ही है जैसे एक विशाल समुद्र के सामने खड़े होकर के उसकी अनंत सीमाओं को मापने का जैसा है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली जी से अपने विचार प्रकट करने हेतु मैं सहृदय निवेदन करता हूं। भारत के सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी, गुजरात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल जी, शिक्षा मंत्री माननीय चुड़ासमा जी, विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष श्रीमान सुभा जी, मंच पर विराजमान और सभी विद्यार्थी परिषद को मार्ग दिखाने वाले अधिकारी गण, देश के कोने कोने से आए हुए आप सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गण, हम सब लोग स्वाभाविक रूप से माननीय वेंकैया नायडू जी को सुनना चाहेंगे। श्री वेंकैया नायडू जी की वक्तृत्व कला से हम सब परिचित हैं। उनकी वक्तृत्व कला सब श्रोताओं को बहा कर ले जाती है। आप उनका भाषण सुनने के लिए आतुर होंगे, ऐसा मैं जानता हूं। आज का जो कार्यक्रम है वह श्री यशवंतराव केलकर जी के नाम पर पुरस्कार देने का कार्यक्रम है, और जो पुरस्कृत होने वाले हैं वे श्री संदीप जोशी हैं। श्री संदीप जोशी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका सम्मान और स्वागत करता हूं। केवल दो बातों का उल्लेख करूंगा। एक यह कि श्री यशवंत राव केलकर का व्यक्तित्व कैसा था। मुझे श्री यशवंत राव केलकर जी के साथ कई वर्ष काम करने का मौका मिला। उस समय तीन व्यक्ति ऐसे थे जो सही मायने में विद्यार्थी परिषद का नेतृत्व कर रहे थे।
एक श्री यशवंतराव केलकर जी थे, दूसरे श्री बाल आप्टे थे और तीसरे श्री मदनदास देवी जी थे। अब इनमें श्री यशवंतराव केलकर जी हमारे बीच में नहीं है, श्री बाल आप्टे भी हमारे बीच में नहीं है। श्री यशवंतराव केलकर बहुत नपे तुले शब्द बोलते थे, कभी कभी तो पूरी बैठक में उनके मुख से दो चार शब्दों के अलावा और कोई बात नहीं निकलती थी, लेकिन उनके वो दो चार शब्द भी इतनी गहराई वाले होते थे कि अंत में निर्णय वही होता था जो श्री यशवंतराव केलकर जी ने मुस्कुराते हुए दो चार शब्द बोले, वही निर्णय बन गया बैठक का। एक बात उनसे हम सीख सकते हैं कि बैठकों में ज्यादा बोलना ये कोई बड़ी गुणवत्ता नहीं है, बैठक में उतना ही बोलना जितना सार्थक है। हम लोग जो भिन्न भिन्न प्रकार की बैठकों में भाग लेते हैं, वह यशवंतराव केलकर जी से यह बात सीख सकते हैं। दूसरी बात, श्री यशवंतराव केलकर जी अपने को हमेशा पीछे रखते थे। रामकथा में जिक्र आता है कि भगवान श्री राम जब लंका विजय करके आए और उनका राजतिलक होने लगा तो सबसे पीछे कोई खड़ा था तो वह भरत खड़े थे। जो भरत की भूमिका रहती थी वह हमेशा पीछे रहने की रहती थी। श्री यशवंतराव केलकर जी ने हमको ये सिखाया कि अगर कार्यकर्ता निर्माण करना है, अगर संगठन खड़ा करना है, तो अपने को पीछे रखकर ही कार्यकर्ता निर्माण हो सकता है, संगठन खड़ा हो सकता है। तीसरी बात श्री यशवंतराव केलकर जी के व्यक्तित्व में दिखाई पड़ती है, वो है एक आत्मीयता, एक मिठास, एक अपनापन, दूसरे को अपना बना लेना, संवेदना से भरा व्यवहार। ये जो मनुष्य में संवेदना नाम का गुण है, इसके बिना वह सामाजिक नहीं बन पाता। संवेदना में से ही सामाजिकता पैदा होती है और श्री यशवंतराव केलकर जी का व्यक्तित्व संवेदना से भरा हुआ व्यक्तित्व था। जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वह उनके बारे में इसी प्रकार की स्मृतियां संजो के रखे हुए हैं। वह अपने लिए और अपने बारे में कतई नहीं सोचते थे, समाज के बारे में, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, यही उनकी चिंता का विषय रहता था। इसलिए यह स्वाभाविक है कि उनके नाम का स्मरण करते हुए जो पुरस्कार आज दिया जाने वाला है हमारे उपराष्ट्रपति जी के हाथ से, वो एक ऐसे व्यक्तित्व को दिए जाने वाला है जो शिक्षक रहे हैं, जालोर के शिक्षक, जिन्होंने सामाजिक सेवा के काम में, शिक्षा के काम में संवेदनापूर्ण तरीके से समाज को उठाने का प्रयत्न किया है। मैं समझता हूं कि उनका चाहे श्री यशवंतराव केलकर जी से कभी मिलन हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन श्री यशवंतराव केलकर जी की संवेदना वह ट्रैवल करके उनमें पहुंची है और संदीप जोशी जी को भी यशवंतराव केलकर जी का संवेदना भरा व्यक्तित्व कहीं ना कहीं अवश्य ही स्पर्श कर गया है। मैं इन सीमित शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ताकि अधिक से अधिक समय
हमारे उपराष्ट्रपति जी को मिल सके, हम उनके विचार सुन सके। धन्यवाद। अब मैं अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चव्हाण से अनुरोध करता हूं कि अब आप प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार की घोषणा करें। इस 64वें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन के तीसरे दिन प्रोफेसर यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार के सम्मानित मंच पर उपस्थित भारत गणराज्य के सम्माननीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी, इस गुजरात प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय प्रोफेसर ओपी कोहली सर, सम्मानित उपमुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल जी, माननीय शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज के युवा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता श्री संदीप जी, मंच पर ही उपस्थित परिंदु भाई, उपस्थित यहाँ डॉक्टर विक्रम साराभाई नगर इस नाम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 64वें अधिवेशन में उपस्थित विद्यार्थी परिषद की यह युवा शक्ति, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि आज के इस युवा पुरस्कार के निमित्त युवा पुरस्कार के घोषणा की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। वास्तव में यह पुरस्कार प्रोफेसर यशवंतराव केलकर, जो कि विद्यार्थी परिषद के शिल्पकार के रूप में उनकी महती भूमिका रही है, उनकी स्मृति में सन 1991 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। अभी तक विद्यार्थी परिषद के माध्यम से 27 पुरस्कार दिए जा चुके हैं, 28वां पुरस्कार आज के दिन दिया जाएगा। समाज में एक नवाचार लाने के लिए, समाज उपयोगी कार्य करने के लिए 40 वर्ष से कम आयु के समाज सेवियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें प्रशस्ति पत्र, सम्मान चिन्ह और पुरस्कार राशि के तौर पर 1,00,000 रुपए यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं विद्यार्थी निधि मुंबई इसके संयुक्त तत्वाधान से दिया जाता है। आज का यह पुरस्कार जिस व्यक्तित्व को मिल रहा है, वे हमारी ही तरह युवा हैं। वे जालौर के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इतिहास के व्याख्याता हैं। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र के अंदर, प्राथमिक विद्यालयों के अंदर वैज्ञानिक सोच बच्चों के अंदर जल्दी से आए, प्राइमरी की शिक्षा लेते लेते आए, उसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रयोगशालाएं प्रारंभ की। शिक्षा में मूल्यों का, राष्ट्र प्रेम का ये जागे, इसके लिए भारत दर्शन गलियारे इनको प्रारंभ किया। विद्यार्थियों के बस्ते का भार कम करने के लिए ये बस्ता फ्री दिन, ऐसे दिनों का उन्होंने प्रारंभ किया, जिस कारण से वे भारत सरकार की समिति के अंदर सदस्य के तौर पे भी हैं। छात्रा सुरक्षा से लेकर के सम्मान को स्थापित करने के लिए कन्या पूजन के कार्यक्रम राजस्थान के अंतर्गत और अन्य प्रांतों में आपने प्रारंभ किए हैं। सामाजिक समरसता का एक प्रेरक भाव गांव के अंदर उसका प्रस्फुटन हो, स्कूल के माध्यम से गांव के साथ उसका जुड़ाव हो, ऐसा सर्व समाज से मिलकर के समावेशी मां सरस्वती के सर्व समाज समावेशी ऐसे मंदिर बने, इनका भी आपने प्रारंभ किया। वास्तव में अगर कहें तो ये सभी इतने सारे प्रयोगों का प्रतिफूल है कि आपके कार्यों के माध्यम से ना केवल
राजस्थान और मध्य प्रदेश अपितु 7 अन्य प्रांतों में आपके प्रयोगों को स्कूली शिक्षा के अंदर लागू किया गया है और आज राजस्थान के अंतर्गत 65 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर आपके द्वारा शुरू किए गए ये सभी प्रयोग सरकार के द्वारा स्थापित किए जा चुके हैं। ऐसे शासकीय विद्यालयों के अंदर शिक्षा में नवाचार एवं सृजन और उसके सफल क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2018 के प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार के लिए जालौर के श्री संदीप जोशी जी को पुरस्कार प्रदान करने की मैं घोषणा करता हूं। इसी मंच से मैं अब निवेदन करता हूं भारत के सम्मानित उपराष्ट्रपति जी को कि वे पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री संदीप जोशी जी को प्रशस्ति पत्र, सम्मान चिन्ह, शॉल, श्रीफल एवं पुरस्कार राशि वो भेंट करें। इस पूरे पुरस्कार के अंदर मिलने वाला प्रशस्ति पत्र, इस पुरस्कार के अंदर मिलने वाला प्रशस्ति पत्र यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी निधि ट्रस्ट इन दोनों के माध्यम से दिया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में श्री संदीप जी के परिवार, उनकी पिताजी, उनके बड़े भाई, उनकी श्रीमती जी और उनके दो बच्चे, वे भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। धन्यवाद। अब मैं प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता सम्माननीय श्री संदीप जी जोशी से निवेदन करता हूं कि वे अपने विचार इस अवसर पर प्रकट करें। माननीय संदीप जी, मंच पर विराजमान भारत गणराज्य के माननीय उपराष्ट्रपति जी मुप्पू वरुप्पू वेंकैया नायडू जी, मंच पे विराजमान गुजरात राज्य के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली जी, मंच पर विराजमान विभिन्न गणमान्यजन, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, ऐसे मेरे पूज्य पिताजी, विद्यार्थी परिषद में जिन्होंने काम करना सिखाया, ऐसे वरिष्ठ अधिकारीगण एवं सामने विराजमान एक जागृत सशक्त भारत की तरुणाई, आप सभी को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। एक श्लोक हम सबने सुना है, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। जिन्हें जगतगुरु कहा गया, जिन्हें यूनिवर्सल टीचर कहा गया, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के शिक्षक हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की ये भूमि है, जिन्होंने सरस्वती नदी के किनारे वेदों की ऋचाएं लिखी, ऐसे पूज्य हमारे वैदिक ऋषि मुनि, ऐसे पूज्य शिक्षकों की ये भूमि है, जिनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिया जा रहा है, वे स्वयं एक महान शिक्षक हैं
और आप सबके आशीर्वाद से जिसे पुरस्कार मिल रहा है वह भी एक शिक्षक है। ऐसे ये भारत के शिक्षकों की एक गौरवशाली परंपरा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि विद्यार्थी परिषद के मंच पर राष्ट्रीय अधिवेशन में मुझे बैठने का अवसर मिलेगा। मेरा काम तो उधर सुदूर पंडाल के बाहर खड़े होकर पंक्तियों में जूते लगाने का या मंच के बैनर को डिजाइन करने का सामान्य कार्यकर्ता जैसा रहा हूं मैं। सामान्यतः समाचार पत्रों में दिल्ली और दिल्ली के बड़े विश्वविद्यालयों में होने वाली घटनाएं बहुत प्रकाश में आती है, किंतु यह विद्यार्थी परिषद की महानता है कि भारत के सुदूर पश्चिम राजस्थान के छोटे से स्थान जालौर के एक छोटे से गांव में चलने वाले और वह भी प्राथमिक शिक्षा के माध्यमिक शिक्षा के प्रयोगों को आप सबके बीच में लाया है, उसकी पहचान की और एक बड़ा मंच उपलब्ध करवाया है। इसके लिए मैं विद्यार्थी परिषद का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज के कार्यक्रम के जो केंद्र बिंदु हैं पूजनीय यशवंत राव जी, जैसा कि आदरणीय राज्यपाल जी ने कहा, मैंने उन्हें प्रत्यक्ष नहीं देखा है, किंतु उनकी पुस्तक जिनमें उनके बहुत से अनुभव लिखे गए हैं पूर्णांक की ओर, उस पुस्तक को मैंने पढ़ा है और कुछ अंशों में कह सकते हैं मैंने उसे जीने का प्रयत्न भी किया है। उस पुस्तक के प्रारंभिक पृष्ठों में आदरणीय दत्तोपंजी ठेंगड़ी लिखते हैं यशवंत राव जी के बारे में। एक पंक्ति में ही उन्होंने पूरा बात कर ली, यशवंत राव जी के व्यक्तित्व को समझाया है केवल एक पंक्ति के अंदर। दत्तोपंजी लिखते हैं, यशवंत राव जी के जीवन में और विद्यार्थी परिषद में कोई द्वैत नहीं है, वे एक दूसरे से अंगांगी भूत हैं। और मुझे लगता है उस जीवन की प्रेरणा लेकर हम सबको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए, हम जो काम कर रहे हैं वह काम हमारी पहचान बने, अपने काम के साथ में हमारा तादात्म्य स्थापित हो, हमारी पहचान हमारा काम बने। भले हम शिक्षक हैं तो लोग कहें शिक्षक हो तो ऐसा हो, हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं तो लोगों को हमको देखकर विद्यार्थी परिषद याद आनी चाहिए। परिषद क्या होती है, लोग कह सके परिषद ये होती है। यदि आप पत्रकार हैं तो लोगों को लगना चाहिए आपको देखकर पत्रकार है, पत्रकार कैसा होता है, ऐसा होता है। भले आप प्रशासनिक सेवा में होंगे, थानेदार होंगे, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएं, मगर यशवंत राव जी से हमें यह भाव सीखना चाहिए कि हम अपने काम की पहचान बने, वह काम ही हमारा पहचान बन जाए और लगातार उत्तरोत्तर हम उसी काम में डूबते चलें, उतरते चलें, यही एक प्रकार की ईश्वरीय अनुभूति भी है। हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों जिन्होंने वेद मंत्र लिखे हमने उन्हें दृष्टा ऋषि कहा है। हम जब किसी काम में गहरे उतरते हैं, अंतर्मन से करते हैं, उस काम के साथ तल्लीन हो जाते हैं, तो वह काम हमारे जीवन में प्रकट रूप में आता है। और ऐसे ही कुछ प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं जिनकी चर्चा यहाँ हुई है, और बहुत सामान्य प्रयोगों के द्वारा भी शिक्षा जगत में बदलाव लाया जा सकता है। ऐसा कुछ करने का प्रयत्न हम बहुत सारे शिक्षकों ने मिलकर किया है। आज का यह पुरस्कार केवल संदीप जोशी का पुरस्कार नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे असंख्य हाथों का सहयोग है। उस पूर्णांक की और पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पे लिखा है, एक भुट्टा मोतियों जैसे दाने से भरा हुआ, उसके पीछे पसीने की सैकड़ों बूंदे टपकी होती है। शायद जो जो काम शिक्षा क्षेत्र में मेरे द्वारा संपन्न हुए हैं उसके पीछे भी कोई एक व्यक्ति नहीं होकर बहुत सारे लोगों का सहयोग है। मेरे विद्यार्थी, मेरे साथी स्टाफगण, अन्य शिक्षक जो विभिन्न जिलों में काम कर रहे हैं, उन सब ने का भी बड़ा भूमिका है। कुछ एक दो छोटे से उदाहरण देकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। एक बात चली भारत दर्शन गलियारा, 10वीं तक का बच्चा भारत समझे, भारत पे गर्व करे, प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी उसका सामान्य ज्ञान मजबूत हो, इसको लेकर हमने अपने विद्यालय में अपने स्तर पर एक भारत दर्शन गलियारा बनाया। चर्चा आगे बढ़ी तो अन्य मित्रों ने सहयोग किया और बिना सरकारी सहयोग के भी हमने राजस्थान के 9 जिलों के 27 विद्यालयों में से भारत दर्शन गलियारे डेवलप किए। उसे देखने के लिए राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, विभिन्न वरिष्ठ अधिकारीगण, शिक्षाविद आए और राजस्थान सरकार ने राजस्थान के 65,000 विद्यालयों में उस गलियारे को लागू करने की घोषणा की है। ऐसा एक छोटा सा प्रयोग, ये बड़े स्तर का प्रयोग, एक छोटी सी और सामान्य सा प्रयोग, बहुत सारे प्रयोग हैं, सबको सीमित समय में शेयर करना संभव नहीं है। प्रतिदिन की क्लासरूम में होने वाली अटेंडेंस, बच्चा अटेंडेंस में रोज बोलता है यस सर, प्रेजेंट सर। मुझे लगा ये यस सर हमें क्या शिक्षा दे रहा है, यदि कक्षा के अंदर 30 विद्यार्थी भी हैं तो वह दिन में 30 बार सुनता है यस सर, महीने भर में 900 बार सुन लेता है, साल भर में 10,000 बार सुनता है यस सर यस सर यस सर। 10वीं तक की शिक्षा भी प्राप्त करेगा तो अपने जीवन में 1,00,000 बार सुनता है यस सर। ये यस सर क्या शिक्षा दे रहा है, जी हुजूरी की शिक्षा दे रहा है। हमको लगा इसे बदलना चाहिए, हमने प्रयोग शुरू किया,
आईडी नंबर एक जय भारत, दो जय भारत, तीन जय भारत, चार जय भारत। बच्चा अपने जीवन में लगभग 1,00,000 बार बोलता है जय भारत जय भारत जय भारत। और आज के इस अधिवेशन की जो मूल थीम है भारत गौरव, वह थीम हमारे विद्यालयों में साकार हो रही है। एक ऐसा सरकारी विद्यालय है जहां प्रतिदिन भारत माता का पूजन होता है, केवल राष्ट्रीय पर्व पर नहीं तो प्रतिदिन बच्चे भारत माँ की पूजा करते हैं। और राष्ट्रीय अवसरों पर तो 15 अगस्त 26 जनवरी पे पूरा गांव उमड़ता है, क्योंकि विद्यालय सामूहिक चेतना का केंद्र है, केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है, पूरे गांव को उससे प्रेरणा मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। तो राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर पूरा गांव विद्यालय में आता है और भारत माँ का पूजन करता है। ऐसे अनेक प्रयोग, एक जिसकी बात हुई बस्ते का बोझ कम करना, उसके दो सुझाव थे, एक तो पूरा हो गया है, लागू हो गया है केंद्रीय स्तर से लेकर 10 राज्यों तक, शनिवार को बस्ते की छुट्टी। बहुत राज्य सरकारों में प्रावधान है 5-डे वीक कर्मचारियों के लिए, हमको लगा विद्यार्थियों के लिए भी होना चाहिए। बच्चा शनिवार को स्कूल जरूर जाए, बिना बस्ते के जाए, तो बिना बस्ते क्या क्या पढ़ सकता है वो पूरा सिलेबस बना के हमने दिया था, सरकार ने केंद्रीय स्तर पर उसे लागू किया है, 10 राज्य सरकारों ने लागू किया है, और देश भर के विद्यार्थी शनिवार को स्कूल जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ जाकर भी बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। क्या क्या पढ़ सकते हैं पूरा सिलेबस दिया है, अभी समय का अभाव है। एक दूसरा सुझाव था ज्ञान कोश मासिक पाठ्य पुस्तक, कोई एक विषय मान लो हिंदी है या सामाजिक है, उसका पहला चैप्टर बच्चा जुलाई में पढ़ता है, तो उसे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक क्यों उठाना चाहिए, जो पाठ पढ़ लिया उसकी एक किताब बन जाए। हिंदी का या अंग्रेजी का अंतिम पाठ 25वां पाठ उसको मार्च महीने में पढ़ना है, तो जुलाई से लेकर मार्च तक वो उन पाठों को क्यों लेकर जा रहा है। तो विद्यार्थी परिषद के संस्कारों में से एक इनोवेशन निकला और नाम दिया ज्ञान कोश। एक महीने में जो जो पढ़ना है उसकी एक पुस्तक बनाई हमने, एक ही किताब के हिंदी के दो पाठ, सामाजिक के दो पाठ, विज्ञान के दो पाठ, गणित इंग्लिश सब कुछ शामिल है, नाम दिया ज्ञान कोश। बच्चा एक किताब लेकर जाए एक महीने के लिए, अगले महीने दूसरी किताब। दिखने में बहुत सामान्य सुझाव है मगर इसके परिणाम जो है बहुत अद्भुत हैं। पर्यावरण संरक्षण, किताब कम पड़ेगी, कोर्स पूरा करना, टाइम पर पूरा करेंगे सारे शिक्षक, हिंदी वाले का कोर्स पूरा हो गया है, गणित वाले का पूरा हो गया, विज्ञान का बाकी है वह भी पूरा करेगा, ऐसे बहुत सारे इसके फायदे होने वाले हैं। उस पुस्तक का नाम दिया ज्ञान कोश, सरकार सैद्धांतिक रूप से उस विषय सहमत है, जल्दी ही लागू भी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नवाचार जिसकी बात हुई थी, नवाचार विकास का आधार है, आदि मानव ने रोटी में नवाचार किया, बहुत सारे व्यंजन हमारे सामने हैं। आदि मानव जो प्रारंभ में कुछ कपड़े पहनता होगा उसमें नवाचार किए, आज तरह तरह के फैशन हमारे सामने हैं, इसलिए नवाचार मूल रूप से विकास का आधार है। हम सब लगे रहें, आप सब के लिए एक ही आग्रह है, युवा मित्रों के लिए एक ही संदेश, एक ही आग्रह, माई जॉब माई पैशन। आप जो काम कर रहे हैं जुनून के साथ कीजिए, उस काम में उतरिए, उस काम में डूबिए, उस काम से तल्लीन हो जाइए, उस काम में एकाकार हो जाइए, यही अपनी ईश्वरीय अनुभूति है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। इस युवा पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि एवं माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू से मैं सम्मान पूर्वक विनती करता हूँ कि आप इस सभागृह में उपस्थित हम सबको मार्गदर्शन करें। आदरणीय वेंकैया जी, श्री ओम प्रकाश कोहली जी, गुजरात माननीय गवर्नर, श्री नितिन भाई पटेल, गुजरात माननीय नायब मुख्य प्रधान, श्री भूपेंद्र सिंह चौदासमा माननीय शिक्षण प्रधान, डॉक्टर एस सुब्बैया राष्ट्रीय प्रमुख अखिल भारत विद्यार्थी परिषद, श्री आशीष चौहान राष्ट्रीय सचिव अखिल भारत विद्यार्थी परिषद, श्री रमेश गरिया आयोजन सचिव, श्री संदीप जोशी आज का यशवंतराव केलकर जी का पुरस्कार ग्रहीता, श्री परिभिन भाई भगत, मिस निधि त्रिपाठी और देश भर से सभी इलाके से आए हुए विद्यार्थी प्रतिनिधि बंधु, मेरा युवा मित्रों, प्रोफेसर यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार समारोह में
ભાગ લેવામાં મને ખુશી થાય છે. યુવા પેઢી દેશના ભવિષ્ય છે. અપના પેદા નિયંત્રણ માટે હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. I really feel very happy to be amidst you all today, this evening. That too, to present Maniya Yashwantrao Kelkar ji's award. Main sachmuch mein man mein bahut prasann hoon, bhavuk bhi hoon. Karan kya hai? Main 50 साल या 52 साल के पहले अखिल भारत विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय अधिवेशन में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे. आई पार्टिसिपेट इन एबीवीपी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस एज ए ऑर्डिनरी स्टूडेंट डेलीगेट सम 52 इयर्स बैक. नाउ टुडे I am here in the All India Conference of the ABVP as the chief guest for your function. I feel really humbled. Shri Yashwantrao Kelkar Yuva Puraskar ke is karyakram mein aakar mai swayam gauravanvit mehsoos kar raha hoon. Mujhe bataya gaya ki yah puraskar vidyardhi parishad aur vidyardhi nidhi nyas मुंबई का संयुक्त प्रयास से है. इस अवसर पर युवा साथियों से उनकी उपलब्धियां उनकी अपेक्षा जान सकूंगा. आपका निमंत्रण के लिए आभारी हूं. यह पुरस्कार विद्यार्थी परिषद को राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त छात्र संगठन के रूप में स्थापित करने वाले श्रीमान यशवंतराव केलकर जी का पुण्य स्मृति में दिया जाता है. माननीय यशवंतराव केलकर जी एक आदर्श सामाजिक कार्यकर्ता थे. स्वाधीनता के पश्चात चल रहे भारतीय छात्र आंदोलन को प्रखर राष्ट्रभक्ति की नई दिशा प्रदान करना स्वर्गीय यशवंतराव जी का हमारा राष्ट्रीय जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान है. दैट इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेक एबीवीपी एज ए प्रीमियर नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन. That was the contribution made by Shri Yashwantrao ji. आपके अधक परिश्रम प्रखर ध्येय निष्ठा संपूर्ण समर्पण और सुनियोजित कारण ही आज विद्यार्थी परिषद देश का प्रमुख छात्र संगठन बन गया है. विभिन्न सामाजिक क्षेत्रीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्र छात्राओं के मन में अपने देश और समाज के उत्थान के बारे में सजगता उत्पन्न करना और उनको राष्ट्र के काम में संलग्न करना यह प्रेरणा यशवंतराव जी ने दिए. उनकी स्मृति में 1991 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है. पुरस्कारों की सूची को देखकर ज्ञात होता है कि अब तक 27 पुरस्कार 13 राज्यों के 30 देश और समाज के लिए समर्पित व्यक्तियों को दिए गए हैं. संस्था ने देश के प्रत्येक क्षेत्र से राज्य से प्रतिभावान व्यक्तियों का कार्यों सामाजिक के प्रति उनका समर्पण को सराहा है. मुझे संतोष है कि आपने विविध विषयों का चुना है. तकनीकी पर्यावरण ऊर्जा कृषि रोजगार निर्माण ग्राम विकास महिला वनवासी झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का विकास सुरक्षा में आत्मनिर्भरता ऐसा विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं का पुरस्कार हेतु अपना चुना है. युवा प्रतिभाओं का सम्मान करने का आपका प्रयास अभिनंदनीय है और केलकर जी की प्रेरणा के अनुरूप है. ये पुरस्कार क्यों सम्मान क्यों ये हमारा भारतीय परंपरा है. हमारे पूर्वजों ने हमको बताया है जिनके पास कुछ प्रतिभा है जिन्होंने कुछ अच्छा सेवा किया है प्रतिभा दिखाया है ऐसी लोगों को पहचान करके उनका सम्मान करना द वेरी पर्पस ऑफ द फेलिसिटेशन इज टू गिव इंस्पिरेशन टू अदर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन. फेलिसिटेशन टू गिव इंस्पिरेशन टू अदर्स दैट इज द पर्पस ऑफ द फेलिसिटेशन एंड दैट टू फेलिसिटेशन इन द नेम ऑफ अ ग्रेट सन ऑफ दिस ग्रेट सेंट्री
will really make the younger generation to remind of the life and contribution made by the person in whose name the memorial is instituted and the person, people like Sandeep Joshi, who has done some great work in their own respective fields that will inspire the younger generation. That is the purpose of this Pratibha Puraskar. ये सभी युवक आज निस्संदेह समाज के लिए एक आदर्श है. आंध्र प्रदेश के सतीश रेड्डी, उन्होंने रक्षा, शोध और विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए सराहनीय प्रयास किया है. प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग पर काम करने वाले श्री इंतियाज अली, नशा मुक्त स्वस्थ युवाओं के रिहैबिलिटेशन में लगे मणिपुर के श्री आर के विश्वजीत सिंह जी, बेंगलुरु के श्री आर गोपीनाथ जी, जिन्होंने बालक की सहायता, सुरक्षा और विकास हेतु काम किया, ऐसी सभी युवक हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत्र है. इस पुरस्कार के माध्यम से लाखों करोड़ों छात्र छात्राओं के सम्मुख इस युवाओं का आदर्श रखा है. मुझे विश्वास है कि आज का छात्र इन्हीं से प्रेरणा लेकर इन्हीं को द्वारा दिखाए रास्ते पर खुद चलेगा और अपना जीवन में भी इसी प्रकार के समाज काम करेगा, देश के निर्माण में सहयोगी होगा. यही पुरस्कारों की सार्थकता है कि श्री केलकर जी को आदर्श को जीवित रखकर उसे भावी पीढ़ी को युवाओं के लिए प्रेरणा बनाए. इस वर्ष के पुरस्कार विजेता जालौर राजस्थान के श्री संदीप को जोशी जी को मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने शासकीय स्कूलों में इन द गवर्नमेंट स्कूल्स इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया. प्राथमिक स्तर पर भी छात्रों को विज्ञान के प्रयोग करना देना, छात्रों को सामाजिक सामरस्यता और एकता का अनुभव देना उनका कार्य निश्चित है, सराहनीय और अनुकरणीय है. आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑन बिहाफ ऑल द यंगस्टर्स ऑफ द कंट्री श्री संदीप जोशी फॉर द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ही हैज मेड टू द काज ऑफ एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल, पर्टिकुलरली इन द गवर्नमेंट स्कूल्स. मित्रों, मैं विद्यार्थी परिषद के कार्य से परिचित हूं. छात्र जीवन में मैं आंध्र प्रदेश में भी विद्यार्थी परिषद से संबद्ध रहा हूं. मुझे ज्ञात हुआ कि विद्यार्थी परिषद ने एक अच्छा कार्यक्रम किया है, मिशन साहसी. यह महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अत्यंत उपयोगी कार्यक्रम है. सेल्फ डिफेंस में हजारों छात्राओं की प्रशिक्षित किया गया है. आज इसी प्रकार आपदा राहत के लिए भी कार्यक्रम की आवश्यकता है. मैं अपेक्षा करूंगा कि परिषद आपदा राहत जैसा अन्य रचनात्मक प्रशिक्षण लागू करेगी. नेचुरल कैलामिटीज, साइक्लोन, फ्लड, सुनामी, द अदर प्रॉब्लम्स आर ऑल नाउ नेचर इज शोइंग इट्स फ्यूरी. सो वी हैव टू ट्रेन अवर यंगस्टर्स ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ द फेलो ब्रदरन इन द केस ऑफ एनी नेचुरल कैलामिटी. That is also one of my suggestions to the ABVP. युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए आप जैसे युवा छात्र संगठनों का सहयोग आवश्यक है. छात्र संगठन इसके लिए प्रशिक्षण शिविर लगा सकते हैं. विशेषकर शहरी गरीब वर्गों को इसका लाभ पहुंचाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी. छात्र संगठनों को सरकारी कार्यक्रम पर ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में जन जागृत फैलाना चाहिए और स्वयं सेवक वॉलंटियर के रूप में लाभार्थियों की सहायता करने चाहिए. आपका पुरुषार्थ और सरकार की नीतियां मिलकर समाज में अभिष्ट परिवर्तन ला सकते हैं. परिषद का स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग प्रोजेक्ट सराहनीय है. सुदूर पूर्वांचल के विभिन्न राज्यों से छात्रों को देश के अन्य राज्यों में लाकर उनको परिवारों में ठहराकर राष्ट्रीय एकात्मता का भाव विद्यार्थी परिषद वर्षों से देती रही है. राष्ट्रीय एकता के लिए, एकात्मता के लिए चल रहे यह प्रयास निश्चित प्रशंसनीय है. मुझे स्वयं इस कार्यक्रम के डेलीगेट के साथ मिलने का मौका मिला है. मित्रों, कई प्रकार की चुनौतियां आज हमारा देश के सामने है. विभाजनकारी जातिवादी शक्तियां दुष्प्रचार से युवकों को मन भ्रमित कर रही है. अतः विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन की जिम्मेदारी है कि वह युवकों के बीच में समता का भाव उत्पन्न करे. देश सर्वप्रथम, नेशन फर्स्ट, दैट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ एवरीवन.
यह भाव उत्पन्न करने में शहरी ग्रामीण शिक्षित अशिक्षित अमीर गरीब पिछड़ा अगड़ा स्त्री पुरुष इन सभी भेदों के ऊपर उठकर विद्यार्थी को देश के साथ जोड़ना समाज के साथ जोड़ना और समता युक्त शोषण मुक्त देश निर्माण करे। मित्रों यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए एजेंडा होना चाहिए। देश का भविष्य का युवकों के अध्ययन पुरुषार्थ से ही सिंचा जाएगा। भविष्य के प्रति आपकी अपेक्षाएं देश का भविष्य तय करेंगे। यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री यू आर द होप ऑफ द कंट्री यू कैन शेप द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। फॉर्चुनेटली इंडिया 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज बिलो 35 ईयर्स। वी हैव गॉट ए ग्रेट डेमोग्राफिक डिविडेंड। If you can use that demographic dividend in a proper, constructive, meaningful way, we can really change the face of the country, the image of the country, and also the living condition of the country. Honorable Prime Minister Narendra Bhai Modi has given a three-line advice which is relevant for all of you also. He said, reform, perform, transform. Transform the nation, transformation. That is the need of the hour. मेरा युवा मित्रों, एक जमाने में भारत को विश्व गुरु कहते थे। ये केवल हमारा कहना नहीं है, ह्यून सॉन्ग पाहियान ऐसा चयनित चयनी साहित्यकारों ने ऐतिहासिककारों ने आके भारत के बारे में लिखा है। नालंदा तक्षशिला पुष्पगिरी आदि विज्ञान पीठों में दुनिया भर से छात्र आके यहां पढ़ते थे। एवरी इंडिविजुअल इन दिस कंट्री हैज गॉट सम टैलेंट और अदर। Not the professors, not the scientists, not the researchers, not the technicians. Everybody in this country, whether it is a potterer, a goldsmith, blacksmith, taddy tapper, weaver, fisherman, has got every talent in him. What is required is to recognize the talent and give him encouragement and upgradation. That's why the government has started the skill development program. We must take advantage of the skill and the program and try to upgrade our skills. In this country, as I told you, was called as Vishwaguru. Why? Susruta in Shastra Shastra in the surgery, Dhanvantari, Charaka, Aryabhatta, Bhaskaracharya, many examples are there. There were stalwarts in various fields. And today, the country must think and take inspiration from them and then try to move forward. Today, fortunately, things are positive. We have to take advantage of the same. Hamara purushartha vihin matra apeksha vyasan hai, vah kunta ko janma degi, akankshaon ko prapta karne ke liye abhishta purushartha karna jaruri hai. Bharat ek prachin samskruti paranta yuva desh hai, aur bhavi pidi samruddh prachin parampara ki uttaradhikari hai. Hamara desh ke samskruti hamara saji virasat hai. हर पीढ़ी का यह दायित्व है कि इस विरासत को न केवल संरक्षित कर बल्कि उत्तरोत्तर समृद्ध करे तथा समय के साथ उसमें बदलाव लाए। वी मस्ट बी विलिंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू टाइमिंग्स। आई रिमेंबर एज एन एबीवीपी एक्टिविस्ट व्हेन कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन बैंकिंग सेक्टर वी टुक आउट ए प्रश्न यू नो व्हाट वाज द स्लोगन ऑटोमेशन एंटी नेशन दैट वाज द स्लोगन। बट टुडे you have to think in the present term of the technological advancement, the changes that has come in the worldwide. And we are living in an era of LPG, liberalization, privatization, globalization. What is happening in various parts of the country and various parts of the world, we must try to understand, appreciate, and then implement. At the same time, we must remember our culture, our heritage, our tradition, which has been given by our forefathers, and try to preserve it, protect it, propagate it. And feel proud of the same. हम भारतीय है गर्व महसूस करना चाहिए। आदिकाल से वेद काल से पुराण काल से पुण्य काल से पूर्वजों ने जिया और दिया विरासत में हमको मिला जिसको भारतीयता कहते जिसको हिंदुत्व कहते जिसको इंडियननेस कहते उसके बारे में हमारा मन में स्पष्टता होना चाहिए। वही नेशनलिज्म है वही पेट्रियटिज्म है। नो कंट्री which forgets its culture, which forgets its history, can make any progress. That is the history of the world. Keeping that in mind, all the students and younger generation must remember the culture, the heritage, the traditions given by our forefathers.
which are time tested and then try to take forward of the same. And we must also know the history, the great contribution made by our great people for the sake of the country's unity and integrity and independence. And we should try to take inspiration from such great people. That is the really important thing before all of us. Manavi Samskuti Jivant Parampara Jaisi Ki Din Dalji Kahate The Manushya Yadi Prakriti Ka Sampada Ko Samaj Se Saju Uttan Ke Liye Prakriti Ke Niyamon Ko Anusar Hi Upayog Kare To Samskuti Hai Yadi Vah Is Sampada Ka Soshana Swardh Ke Liye Prakriti Ke Udar Niyamon Ke Viruddh Kare To Samaj Mein Vikriti Janma Leti Hai अतः आवश्यक है कि अपनी संस्कृति को उदार और उदात्त तत्वों के संरक्षित करें, उनका संवर्धन करें, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हर संस्कृति में समय समय के साथ रूढ़िवादिता आ जाती है, उदार परंपराएं कठोर रूढ़ियों में परिवर्तित हो जाती है। अतः हर भावी पीढ़ी का कर्तव्य है कि विरासत में मिले समाज संस्कारों को आधुनिक समाज के जरूरतों से संदर्भ में आंकलन करे, जातिवाद, महिला का अपमान जैसी रूढ़ियों का त्याग कर और अपनी संस्कृति को से रूढ़ियों को बाहर से मुक्त करें। इससे समाज को लोकतांत्रिक सृजनात्मकता जीवंत होगी। अपने संस्कारों का आंकलन करने के लिए आपका गहन अध्ययन चिंतन अनिवार्य है। आपके सामाजिक सरकार समाज के प्रति आपका दृष्टि, राष्ट्र के भविष्य के प्रति आपका निष्ठा आपके भावी मार्ग को प्रशस्त करेगी। My dear young friends, today India is the fastest growing country in the world. This is not what we are saying. The World Bank report, the World Economic Forum report, the ADB Asian Bank report, Asian Bank, Development Bank report, the International Monetary Fund and Moody's ratings, not Modi's ratings, Moody's ratings. Everybody is saying India is on the move. If India can move forward with the same speed and velocity and reforms, India can become the third largest country in the world, surpassing even China also. India is on the move and the world is looking towards India. The entire world is looking towards India. As Vice President of India, I have been to some of the foreign countries, Latin American countries, European countries, African countries. Everywhere the discussion is about India. The discussion is about the development of India. The discussion is about the growth of economy of India. And the discussion is about the knowledge of India. So that being the case, we must take advantage of the same. And we must all develop a constructive attitude. We are no longer ruled by colonial people. India GDP was 17% plus earlier because of foreign invasions. Colonial rule, we lost track. Hum atmanirbhar tak ho gaya. And the result is, economy has gone down. But fortunately again, economy is moving forward thanks to the efforts made by all people in various fields of life. And we must really take advantage of the same and take the country again forward. Wherever I go, wherever I meet any foreign dignitary, they are all talking about India. They want to come and invest in India. They want to encourage Indian talent in their countries also, we are all seeing. Now how many Indians are occupying important positions in the multinational companies because of the knowledge and understanding they have. Keeping that in mind, we should have a positive attitude, not negative. We should all follow constructive attitude, not destructive attitude. We must also follow a progressive attitude, not an obstructive attitude. We must take developmental agenda, not a destructive agenda. Discuss, debate and decide. Do not disrupt. That should be our purpose. Discuss issues. We are a free India. Some people here and there, they are into negative propaganda that in India, freedom is under threat. India is the most democratic country in the entire world, I can tell you. Some people also complain about secularism being in danger. Secularism is safe in India, not because of politicians, not because of government, not because of opposition. Secularism is part of the DNA of all Indians. That's why secularism is safe. Our attitude, our approach, our culture always speaks and also practices tolerance. There may be certain aberrations here and there.
certain instances might have happened. Those instances have to be condemned. They have to be isolated. Action has to be taken. But at the same time, the core value of this country is the tolerance. Sarva dharma samabhavana, equal respect to all. That is the philosophy of this country. Some people who are influenced by the Western culture and traditions, some people who are guided by foreign philosophy, they try to undermine the importance and civilization of this country, unfortunately. Our textbooks, our education system must again re-look and see to it that we must bring in the true history of the country to the fore, and also the values, the ethics practiced by our great forefathers and founding fathers of the Constitution, and to propagate the same. Education system must be useful for life. Education is not for employment alone. Education is for enhancement of knowledge. Education is for enhancement of knowledge. Education is for enlightenment. Education is for empowerment. And lastly, education is for employment. But last one we are taking as the first one nowadays. There has to be change of attitude. Change of attitude. And after all, as I told you, we are in our own country. Our own country, our own properties. Destructive attitude, obstructive attitude is going to affect our future. Keeping that in mind, I stress once again, every one of us must go for constructive attitude. Constructive attitude from politicians to public. And there has to be change of mindset. And whatever the government does, good things. We must all join the programs, not political programs. Swachh Bharat, Green India. Green India is a program of the country. Beti Bachao, Beti Padao. Tree plantation. All these programs should be made into people's programs. Yoga. Yoga is an ancient Indian art. It brings unity in mind and body. Yoga has no religion at all. Unfortunately, some people try to attribute a religious thing. One boy told me, sir, yoga is very good, sir, but yoga you have to do Surya Namaskara. I said, what is your problem? He said, Surya Namaskara karne mein kuch problem hai. Maine kaha, Surya Namaskara karne mein aapatti hai, toh Chandra Namaskar karo. Koi aapatti nahi aisa karo. There are some perverted people always try to mislead the people and misguide the youth of the country. Swarna Bharat or Swachh Bharat, this is to make India again the same golden age. Swachh Bharat to make your green, tanse, manse, dhanse, tanase, body, green. Swachh Bharat is for your body, not for Modi. You have to understand that. Prime Minister has given lead. But at the same time, it is a program for your body, for your mind. And then, tanse, manse, mind also has to be clean. We must remember that we are all Indians, we are Bharatiyas, and every action of us must be in the interest of the Bharat. We have gone through the horrible episode of Nirbhaya Prakaran. It's really shameful. But such things can be avoided if there is a change of mindset that has to come through education system to the family system. We must preserve and protect the family system, which is a great gift given to us by our forefathers. That is the USP of India. Unfortunately, now slowly families are withering away. It's not good for the country. And then Nirbhaya Prakaran, I remember, and there was a discussion in Parliament. I was a member of Parliament. There is a clamor in this country. Anything happening, people will say, bring a new law. There are enough laws. What is required is implementation. What is required is people's cooperation for operation of the same. So I remember when the issue came before Parliament, I was a member of Parliament, I said, sir, mere bill will not suffice. What is required is not a bill. What is required is political will, administrative skill, and then go for the kill of the social evil. It's a social evil. It is a social evil. We have to fight it out. And then our tradition and culture of giving respect to women. All these rivers in this country, Mahanadi, Sabarmati, Narmada, Tapati, Godavari, Kaveri, Mahendra Tanaya, all are named Ganga, Yamuna, all are named after women. That was the respect the Indian society used to give to women. If you believe in Puranas,
शिक्षा सरस्वती देवी, रक्षा पार्वती देवी, and then finance Lakshmi Devi. That was the importance given to Devi Devatao mein bhi hai, mahilaon ka. Gargai, those days, she used to come and argue in public. Maitreyi, Gargai, great people. So where is the question of discrimination in the society? Age-old society, the discrimination has come in between, and we have to end it here, there only. No discrimination should be there against on the basis of gender. No discrimination should be there on the basis of caste. It has become a big menace nowadays. All the youngsters must raise about this narrow feelings of caste, creeds, sex, religion, and region. Religion is personal. It's a way of worship. I am not that much concerned about religion. I am concerned about the culture. What is culture? Culture is a way of life. Jeevana paddhati hai. Bharatiya parampara, Bharatiya jeevana paddhati, Hindu jeevana paddhati, jisko hum kahte, जो हमको आदिकाल से वेदकाल से पुराण काल से पूर्वजों ने जिया और दिया विरासत में हमको मिला वो जीवन पद्धति को कायम रखना चाहिए दैट इंडिया वी रेस्पेक्ट सर्वे जना सुखिनो भवंतु वसुधैक कुटुंबकम द एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली दैट इज द फिलॉसफी ऑफ इंडिया इंडिया इन स्पाइट ऑफ हैविंग 17% ऑफ द जीडीपी नोन एज विश्वगुरु इंडिया नेवर अटैक्ड एनी कंट्री एनी टाइम But all Tam, Dick and Harry came and attacked us, ruled us, ruined us, rooted us, cheated our minds also. They have not only cheated the economy, they have rooted the minds of some of our so-called intellectuals. That's where the problem is. We have forgotten our Atma and Antaratma. The time has come. We have to think about our tradition and culture and practice it in our life. Any incident of untouchability, any incident based on the gender discrimination is a shameful act and it's a challenge before all of us. 70 years after independence, such a great country, such small things again divide people. Youngsters must be in the forefront for the social change. These youngsters are known as change agents. So take this call and see to it that the untouchability practiced anywhere by anybody should be condemned and isolated. Any discrimination against women should be also condemned and taken care, and then also taking care of the nature. Nature is very important because according to our way of living, we respect all nature, every creature. That's why I say, love the nature and live with the nature. Nature, culture together for better future. Nature, culture together for better future. This should be the approach in all our life. Everyone, youngsters, I would like to caution through the platform of ABVP. There's a danger of the lifestyle changes that are happening. Some of us are getting into slowly mechanical way and also Western culture, which is, will affect our future. That's why you are getting all sorts of new diseases. And also, even the food habits also. The food habits are time-tested in our country. They are season-tested, time-tested, for years together, that's why they have prescribed particular food in particular season, particular fruit in particular season. But slowly, because of westernization, we are being tempted to instant food. I would like to caution youngsters, instant food means constant disease. This has to be understood. Instant food means constant disease. Why you have such a beautiful cuisine in India? Every state has got some speciality or other. Let us follow it. Let us follow it. Preserve it. Promote it, but we are developing weakness because of westernization, and then we are now brand name, they put a separate brand name and all propagate, and then you get tempted to that and go for instant food, and then your age is 25, and you go after chicken 65. Age is 25, go after chicken 65. Kya hai matlab bhi mujhe samajh mein nahi aa raha hai. And then you have such a beautiful items, even in non-vegetarian, vegetarian also, in every state. And then you run after chicken Manchuria. What is this Manchuria, Somalia, Bulgaria, and Bharat, India? Indian food is available to you. You have so many varieties of different states and different types of food. You can enjoy that food. I am not against anything good from outside being taken, but your weather, your conditions, your habits, it will also have effect. So please take care of the lifestyle changes. There has to be some exercise every day.
you have to live some time under sun. Under sun. Secondly, you have to live, how to be friendly with water, preserve water, reduce, recycle, reuse water. And third, protect that greenery, trees. That is also equally important. And then, as I told you, protect our ecology. This is the need of the hour. This is another challenge where the youth of the country should take care of the lifestyle changes that are coming and also the food habits that are happening. Take care of them. Otherwise, you are seeing how new diseases are coming, new problems are coming, and then how people are suffering. This is another advice I want to give all the youngsters. Today, my dear friends, as I told you, aap rashtra ki sabse mahatvapurna sampada hai. Yuvon ki siksha, swast, aur kaushal par kiya gaya vyay, samaj ka sab mahatvapurna nivesh hai. Aapke dwara kiye gaye prayas, rashtra ke sabse bade sansadhan hai. I am happy to say that I have acquired this organization skills and leadership qualities. The foundation was laid during my period in Akhila Bharatiya Vidyarthi Parishad. I come from a very humble agriculture family. My gramin ilaka se aata hu, kisan parivar se. बचपन में मैं 3 किलोमीटर स्कूल जाने के लिए पैदल में जाके पढ़ के वापस आते थे. बिजली भी नहीं था उस समय. वहां से यहां तक पहुंच गए, देश का सर्वोच्च दूसरा संविधान पद तक पहुंचा. इसका कारण जो प्रशिक्षण मुझे दिया गया, जो मार्ग मुझे बताया गया अखिल भारत विद्यार्थी परिषद में, उस जमाने में उसी कारण से मैं संस्था हूं. मैं यहां तक पहुंच गया. संघ ने संस्कार दिया, मगर विद्यार्थी परिषद ने हमको प्रशिक्षण दिया है, नेतृत्व का लक्षण सिखाया है. अभी कोहरी जी बता रहे थे यशवंतराव जी केलकर जी के बारे में. यशवंतराव केलकर जी, दत्ता जी, डिडोलकर जी, मदन दास देवी जी और आप्टे जी और कोहरी जी, ऐसा बहुत महानुभावों ने एबीवीपी का मार्गदर्शन करके संस्था को सही दिशा में एक राष्ट्रीय युवा शक्ति के रूप में तैयार करने में बहुत कुछ योगदान दिया है सभी महानुभावों ने. उसी लाइन पकड़ के हम आगे जाना चाहिए. जो सोसाइटी में जो ट्रेंड्स, नेगेटिव ट्रेंड्स दिख रहे, उससे बचना चाहिए. और ये भी आप लोग समझना चाहिए, एबीवीपी इज नोन एज ए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. आप लोग भी कहते हम अलग पहचान का संस्था है. अलग पहचान का संस्था माने यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ डिफरेंस. एनी स्मॉल थिंग हैपनिंग एनीवेयर विल बी हाईलाइटेड इन द मीडिया, विल बी हाईलाइटेड इन पब्लिक डिस्कोर्स. ये जैसा सफेद कपड़ा होता है ना, सफेद कपड़ा पहने वाले को छोटा सा पेन का इंक मार्क लग गया, लोग पूछेंगे क्या सर वेंकैया जी क्या है ये. जो बाकी कलरफुल रंगीन लोग हैं, वो जाते जाते अहमदाबाद का ड्रेनेज में डूब गया, बाहर आया, लोग कहेंगे और एक नया रंग आया, इतना ही है. तो इसलिए मेरा साथ युवा साथियों, बी केयरफुल. इफ यू से दैट यू आर एबीवीपी, यू आर ए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन, आपका व्यवहार, सिद्धांत बाद में आता है, व्यवहार पहले आता है. आडवाणी जी हमेशा बताते थे, मुझे याद है जब मैं राजनीति में था उस समय. अभी मैं राजनीति छोड़ दिया. आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट नॉट टायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ, दैट्स व्हाई आई एम हियर. बट आडवाणी जी हमेशा कहते थे मोर देन आइडियोलॉजी, आइडियल बिहेवियर इज मोर इम्पॉर्टेंट. सो रिमेंबर दैट आइडियल बिहेवियर, योर कॉन्डक्ट, योर डिसिप्लिन, आपका व्यवहार, आपका आचरण को देख के लोग आपका संगठन के बारे में एक विवेचन पे, निर्णय पे आएंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सम देर आर फोर्सेस विच आर एंकरेजिंग इनडिसिप्लिन. आउट ऑफ 800 प्लस यूनिवर्सिटीज, सम 7-8 यूनिवर्सिटीज आर इन द न्यूज फॉर रॉन्ग रीजंस. इन ऑल अदर यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स आर फोकसिंग मोर ऑन अकेडेमिक करियर, मोर ऑन अक्वायरिंग नॉलेज. दिस इज द टाइम यू अक्वायर मोर एंड मोर नॉलेज, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, वी आर गोइंग टू लिव इन ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. The entire world has become a global village. Keeping that in mind, you must acquire more knowledge and spend your time judiciously.
and then try to conduct yourself in a manner, be fitting of a youngster and a responsible citizen of the country. Your parents have spent so much money and then sent you to college and university. You must live up to their expectations and take advantage of the same. That's why I am saying that ABVP workers, not only ABVP workers, all the students and younger generation must follow discipline. Not only students, even politicians also. Everybody has to be careful about the conduct. That's why I say anybody in public life must be selected on four qualities. What are their four? Character, caliber, capacity and conduct. Character, caliber, capacity and conduct. Unfortunately, some people who do not have those qualities are trying to find out shortcut methods. They are replacing those four C's by another four C's. What are the another four C's? Caste, community, cash, and criminality. This is happening in the country. It should be nipped in the bud. People should be assessed and respected, elected and selected on the basis of character, caliber, capacity and conduct. In whatever field it is, I'm not talking of politics alone, in every sphere of activity, these four C's are very important. Keep that in mind and try to develop those four C's, then you will definitely excel. Dr. Abdul Kalam said, dream high and then aim high. Aim high and dream high. Aim high, dream high, but work hard. Then only you can excel. Mere dream alone will not take you to fulfill your dream. So you must aim high, dream high, and work hard. This is my advice to all the youngsters. And also remember, share and care is the core of Indian philosophy. Share and care is the core of Indian philosophy. We have to practice it in our life, every one of us. And there is also a debate going on about what is patriotism, what is nationalism. Some people are trying to portray it in negative sense also. Some people mazak udane ke liye prayas kar rahe. Bharat mata ko jai hai, unde mataram, jai ho Bharat, Bharat mahan hai. Right, what is Bharat? Let us understand, Bharat means not the wo bhaugolik jo bhumi hai, wo Bharat nahi hai, keval. Bhaugolik bhi jaruri hai. Aur Bharat mein rahane wale 130 crore people, irrespective of caste, creed, sex, religion and region, Indians are one nation, one people, one country. That is the Bharat. That is the Bharat. So you must take care of your fellow citizens. You should not discriminate him on the basis of religion. Should not discriminate him on the basis of region. Should not discriminate him on the basis of caste. Should not discriminate him on the basis of language. We must learn as an youngsters. I would like to give you five simple points advice. First, remember mother. Mother includes father also. Mother. Jo maa ne aapko janma diya kabhi bhi bhulna nahi chahiye. Woman mein man bhi hai na, W-O-M-A-N. Parents. Second, janma bhumi. Jahan aapka janma hua, kabhi bhi wo janma bhi ko nahi bhulna chahiye. Main abhi uparashtrapati banne ke baad bhi, main beech-beech mein mera janma bhumi Nellore jata rahata hun. Koi bhi kuch hi kahe. Should never forget your native place. Third is matru bhasha, jo maa ka garbh se aaya, matru bhasha. Wo Gujarati ho, Tamil ho, Telugu ho, Kannada ho, Marathi ho, Marathi ho, Punjabi ho, Assami ho, Bhojpuri ho, Dogri ho, Kashmiri ho, Urdu ho, jo maa ka garbh se aaya, matru bhasha ko kabhi bhulna nahi chahiye. You have to remember and respect the mother tongue. Practice the mother tongue at home. Ghar mein aapas mein baat karte samay apna matru bhasha mein hi bolna chahiye. Bazaar mein, apna gaam mein, dusri bhasha mein bolne ka koi zarurat nahi hai. Matru bhasha aur bhavana ek saath chalta hai. Bhasha aur bhavana ek saath chalta hai. Culture and language, they are interlinked. So please promote your mother tongue. That's why I am really propagating entire country that we must protect Indian languages. We need not be against any other language. I'll come to it a little later. Alag bhasha, alag vesh, phir bhi apna ek desh. Vividhata mein ekata, Bharat ka visheshata. So that being the case, we should not allow any fight between Bengali non-Bengali, Telugu non-Telugu, Tamil non-Tamil,
Kannada, non-Kannada, Hindi, non-Hindi. We should never, never allow such things to happen. And Vidyarthi Parishat youngsters should be in the forefront to see that oneness is developed among all people. We must learn as many languages as possible. Matru Bhasha is like, mother tongue is like your eyesight. Other language is like your chashma, spectacles. If you have eyesight, then you will have better foresight if you wear spectacles. If you don't have eyesight, even if you wear ribbon glass, you will not be able to see anything. So that is the importance of Matru Bhasha. I am not against any other language. I am not against English also. Learn English. Learn French, Russian, Chinese. But promote first your mother tongue, your mother tongue, mother tongue. That is my advice to all of you. The colonial rulers have tried to destroy our languages, our culture. I have been to Latin America recently. Guatemala, Peru, Panama. None of them remember their mother tongue. Not even one. Very sad. So keep that in mind. We must feel proud of our language. And then Matru Desh, motherland, the country which has given you the beautiful birth and opportunities. You should never, never forget your motherland. Some of you who are studying, pursuing higher courses may want to go abroad also. There is no need to go abroad now. Everything is available in India. They are coming to India now. But still you want to go. Still any one of you want to go. Youngsters want to go. My advice to you is go. Learn. Learn. And return. Come back. To come back to serve your motherland. That is my advice to all the youngsters who want to go abroad. And fifth is Guru. Guru should never, never be forgotten. Guru is important. Guru means a Jnan Dene Vale, Sanmarg Batane Vale, Sat Pravartan Batane Vale, Sat Buddhi Dene Vale Bachpan Me. Guru hai. Aisa Guru ko kabhi bhi bholna nahi chahiye. ABVP is one organization, according to my understanding, where the students and teachers, they are together. They are not against each other. They are together. That's why you have Subhayaji as your president. You need guidance. So much technology might have come, so much IT. Now IT has become really, IT is really beauty, and many people have made their duty and is becoming mighty. But at the same time, let me tell them, thus this technology alone will not suffice even to run. Google is important. Even to run Google, you need a guru. So Google can never replace guru. This has to be understood by one and all. So all these five things should be respected in our life. And at the same time, as I told you, we must also focus on the arresting the lifestyle changes, and we must also encourage reforms, innovation, incubation is the present motivation for the country. Keeping that in mind, we must work on those lines and then try to bring in transformation of the country. The qualities of discipline, hard work, honesty, integrity, ethical values, respecting women and elders have to be cultivated by today's youth. As former president said, he used to exhort youth not only dream and aim high, but also focus on keeping the values and ethics in mind. I would also like the youth to remember following things always, as I told you about these five things which I have mentioned. Samaj ko ek vishay dhyan mein rakhna chahiye. Patriotism means not only loving motherland, but also to work for the well-being of every Indian. Then only you are a true Indian. If you think of everybody, then only you are a true Indian. Keval Bharat Mata ko jai kahane se, Bharat Mata ko jai nahi hoga. Samaj mein suppressed, depressed, oppressed people jo hai, unka uttan ke liye hamara laksha hona chahiye. After 71 years of age, this development, 20% are living in below poverty line. 21-22% of the people are illiterates even today. There is some discrimination here and there. These are the challenges for us. There are regional disparities. There are economic disparities. The youth must come forward to see, to bring an inclusive growth. The Prime Minister is working in that direction. But all of us also should think on the direction of inclusive growth. Antyodaya, uplifting the poorest of the poor, taking care of the suppressed, depressed, oppressed people. Jo antima pankti mein baithe, yahan nahi. Jo samaj mein antima pankti mein baithe, unka uttan karne ke liye prayas hona chahiye. Ye hamara pradhamikta hona chahiye. Samaj ke apne yuvakon ki medha, unke prayason aur unka
आकांक्षाओं का सम्मान करना चाहिए। युवाओं में निराशा समाज के सृजनात्मकता को समाप्त कर देती है। अतः यह हमारा पीढ़ी का कर्तव्य है कि हम युवाओं को प्रोत्साहित करें, उन्हें राष्ट्र निष्ठा के संस्कार दे, राष्ट्र निर्माण में उन्हें स्थान दे और उनको हमारा जीवन के द्वारा उनका जो भी अवसर मिलेगा उसको हम लोग समर्थन करें और युवाओं की असीम उद्यमता को प्रोत्साहित करें। मित्रों, सरकार भी इस दिशा में नीतिगत प्रयास करती रही है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मुद्रा योजना जैसी योजनाएं बनाए जो युवा उद्यमिता को अवसर प्रदान करेगी। मैं आशा करूंगा कि विद्यार्थी परिषद जैसा छात्र संगठन युवाओं की अवसरों को लाभ उठाने में सहायता करेंगे। मित्रों, तिरुकुरल में कहा गया है, इट हैज बीन सेड इन द ग्रेट तमिल स्क्रिप्चर तिरुकुरल, ईश्वर स्वयं आगे बढ़कर उनकी सहायता करेगी जो संकल्प से साथ निस्वार्थ रूप से समाज और समुदाय के उत्थान के लिए प्रयास करेगा, उन्हीं को ईश्वर सपोर्ट करेगा। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड इन तिरुकुरल। अपने भावी प्रयासों में सफल हो मेरी समस्त शुभकामनाएं आप सबको। आज जो इस अवसर मुझे दिया है, इस संदर्भ में मैं एक कोटेशन आपको बताना चाहता हूँ। टूडेज वर्ल्ड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली नॉलेज सेंट्रिक एंड इंटरडिपेंडेंट। टू गेट ए होलिस्टिक परस्पेक्टिव, लिबरल एंड इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन इज अ मस्ट। वी मस्ट ब्रिंग द चेंज इन अवर एजुकेशन सिस्टम। इट शुड बी रिमेंबर दैट एजुकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल डज नॉट एंड बाय मियरली अक्वायरिंग डिग्रीज और एम्प्लॉयबल स्किल्स। एजुकेशन इज मेंट टू डेवलप ए होलिस्टिक पर्सनालिटी विथ क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट। एज स्वामी विवेकानंद हैड सेड, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। दिस इज वॉट स्वामीजी हैज सेड। Students should remain rooted to our culture, our traditions, our customs, our systems, and our history. They should never neglect their parents, their mother, father. They should always take care of the neighborhood. Mahatma Gandhi was foremost proponent of this philosophy. He said, seven sins. I conclude by saying these seven sins, he said, his seven sins: wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, religion without sacrifice, and politics without principle are a guiding principle for shaping the ethical ethos of individual, society, country, and the world. We must take all of our professions as a mission, not for commission, should not give any remission, or should not do any omission. That should be the mission for all of us. I convey my best wishes to all of you, to the younger generation of the country. You are the future of the nation. You are the future of the nation. Be hopeful, be positive, be disciplined, be dedicated, and then march forward. Victory will be yours, victory will be ours, and victory will be that of Bharat Mata ko jai ho. Sachmuch mein usi samay jai hoga. Bharat Mata ki jai. Jai Hind. अभी मेमेंटो प्रदान करने के हेतु मैं राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान को आमंत्रित करता हूं। आशीष जी आभार व्यक्त करेंगे और अंत में आभार व्यक्त विधि के बाद राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रगान के लिए हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। सम्मानित महामहिम उपराष्ट्रपति जी, आपके ओजस्वी और वास्तव में सभी कार्यकर्ताओं को छू लेने वाले उद्बोधन के पश्चात मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूं कि वे आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से इस अधिवेशन के प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आने के लिए हमारा यह निवेदन स्वीकार करने के लिए एक सम्मान चिन्ह आपको भेंट करें। यह सम्मान चिन्ह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए है कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालते हुए 64वें राष्ट्रीय अधिवेशन के
अतिथि के तौर पर आप आए और प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार के इस समारोह के आप मुख्य अतिथि आपने स्वीकारा। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय राज्यपाल ओपी कोहली सर का, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सम्मानित नितिन भाई पटेल जी का, श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी का, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के पुरस्कार प्राप्तकर्ता संदीप जोशी जी का कि वे इस मंच पर सुशोभित हैं। मैं प्रोटोकॉल विभाग की ओर से स्थानीय प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा इस मंच से कि वास्तव में गणमान्य व्यक्तियों के साथ मंच को और सारे कार्यक्रमों के आयोजन में आपका हमें सानिध्य मिलता रहा। मीडिया के बंधुओं का मैं धन्यवादी हूँ और साथ ही यहाँ उपस्थित कर्णावती शहर के गणमान्य व्यक्ति, मैं आपका भी सहर्ष धन्यवाद करता हूँ। अब मैं निवेदन करूँगा कि हम सभी अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।